अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, बेटियाँ अल्लाह ताला जिनको देता है, ये बेटियाँ रहमत होती हैं। ये बेटियाँ अपने माँ बाप को बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन चंद लोग मैंने देखा है कि वो अपनी बेटियों से उतना प्यार नहीं करते, या जब उनकी बेटी पैदा होती है तो वो उन उतना खुश नहीं होते जितना कि बेटे के पैदा होने पे खुश होते हैं। हालांकि बेटियां तो रहमत होती हैं, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे रहमतें अता फरमाता है। मन्नत में बेटा मांगते थे, बुढ़ापे में संभाला बेटी ने। दोस्तों, हर शख्स आजकल मन्नतें करता है कि अल्लाह ताला मुझे बेटा अता करे, लेकिन बुढ़ापे में तो सिर्फ बेटी ही संभालती है। दोस्तों, इस दुनिया में हर बाप बादशाह नहीं होता, लेकिन हर बाप की बेटी शहजादी ज़रूर होती है, क्योंकि बाप और माँ जो होते हैं वो अपनी बेटियों को शहजादियों की तरह पालते हैं, शहजादियों की तरह रखते हैं। हमारे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी आप अपने घर में कोई चीज़ लेके आएं तो सबसे पहले बेटी को दें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी बेटियों से प्यार करने वाला और अल्लाह ताला की रहमतें जो होती हैं उनका ख्याल और उनकी अच्छी परवरिश करने वाले बनाए।